मुझे किसी पत्रकार ने पूछा तो क्या मुख्यमंत्री क्या करते रहते हो। मुख्यमंत्री का काम तो स्कूल बनाना, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, अस्पताल बनाना, विकास का काम करना ही है। तुम कभी नर्मदा सेवा यात्रा निकालते हो, कभी एकात्म यात्रा निकालते हो, कभी सैब महोत्सव हो रहे हैं। तो एक ही उत्तर मैंने दिया, ये बात सच है। सरकार का काम स्कूल बनाना, सड़क बनाना, पुल पुलिया बनाना, अस्पताल बनाना तो है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी बनाना है। संतों के आशीर्वाद और नेतृत्व में समाज को दिशा देना है। सबको साथ में लेके चलने वाले, सबको स्नेह देने वाले, सबको प्रेम करने वाले भगवान भोले शंकर। गरीब से गरीब भी हो, बीलपति तोड़ो, पूजा करो, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करो। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाले भगवान भोले शंकर। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब समान है, कोई भेदभाव नहीं। सिया राम में सब जग जानी, सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में वही समाया हुआ है। तो काय का भेदभाव। और इसलिए सैब महोत्सव बाकी संदेश तो देगा ही, लेकिन एक सबसे बड़ा संदेश है सामाजिक समरसता का संदेश। आज के इस दौर में जब कई लोग तोड़ना चाहते हैं भारतीय संस्कृति, समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, व्यक्ति व्यक्ति में भेद पैदा करना चाहते हैं, तब सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना का संदेश देगा सैब महोत्सव हमारा। ऐसे भगवान भोले शंकर के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और यही प्रार्थना करता हूं कि हम सब पर वो कृपा की वर्षा करे। और आप सबको भी यही संदेश देने वाला हूं जो मैंने प्रारंभ में कहा कि दुनिया को अगर बचाना है तो भारतीय संस्कृति है। इस समय एक आत्म यात्राएं चल रही है, एक संदेश दे रहे, चार यात्राएं तो मध्यप्रदेश में, लेकिन एक यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज के कालड़ी से प्रारंभ हुई, जिसको प्रारंभ करने भी हम लोग वहां स्वयं गए थे, संतों का आशीर्वाद लेकर। उस यात्रा का भी एक ही संदेश है, सब एक है, कोई भेदभाव नहीं।